हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। आज फ्रेंड्स मैं आपको अलसी के बीजों का यूज़ बताऊंगी। इसको इंग्लिश में जो है फ्रेंड्स फ्लैक्स सीड कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है हमें, जो हमारी राशन की शॉप होती है वहाँ पर भी ये बीज मिल जाते हैं, कई जगह पंसारी के पास भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और ये हर बीमारी का इससे इलाज किया जा सकता है। जो फैटी लोग हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द होता है, डायबिटिक्स हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, मतलब किसी भी तरह की बीमारी अगर हो, अगर हम फ्लैक्स सीड अपने खाने में यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, तो हमारा इलाज हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। लेकिन फ्रेंड्स गुण तो बहुत ज़्यादा लोग इसके आपको बताते होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों में ये वाला टेस्ट नहीं होता है, बच्चे कम पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को खाना। तो आज मैं आपको इसका नमक बनाना सिखाऊंगी और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मेरे अपने बच्चे भी खाते हैं फ्रेंड्स। मतलब आजकल के बच्चे जैसे पिज़्ज़ा बर्गर की दुनिया से बाहर हटके जब इन चीज़ों की मांग करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और मुझे होप है आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने अलसी लेनी है, जैसे सपोज अगर आपने एक कटोरी अलसी ली तो एक कटोरी का हिसाब आप रख लीजिए। आपने क्या करना है, कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है, ना तेल डालना है, कुछ नहीं डालना है, कढ़ाई को गर्म करना है, उसमें आपने अलसी डाल देनी है। तो उसको 4 से 5 मिनट तक आपने भूनना है। पहले तो आप फुल आंच पर उसको भूनें, फिर जैसे तड़ तड़ की आवाज़ हो जाए, टिक टिक की आवाज़, जैसे खील खिलती है फ्रेंड्स वैसी अगर इससे आवाज़ आना शुरू हो जाए तो आप अपनी गैस को धीमी कर दें और थोड़ा सा स्लो हीट पर उसको होने दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, मतलब आपने 4 से 5 मिनट तक ही, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये कड़वा टेस्ट हो जाएगा इसका। तो थोड़ी कच्ची पक्की सी आपने इसको भूनना है, वो आपको भूनती वक्त आइडिया हो जाएगा, या बीच में आप टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। जैसे इसमें हल्की सी चिफलाहट होती है, चिफलाहट मीन्स इसमें चिपचिपापन होता है, लेकिन जब हम इसको भूनते हैं तो थोड़ी ये क्रिस्पी हो जाती है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि अलसी जो है पक चुकी है। मतलब हल्की सी दरदरी सी आपने इसको गर्म करके थोड़ा सा दुड़बुड़ी सी करनी है मतलब आपने ये। तो फ्रेंड्स जब आपकी ये अलसी, मैंने ये भून चुकी हूँ फ्रेंड्स, अब देखो इतनी अलसी में, एक कटोरी अलसी में आपने आधा चम्मच जो है वो नमक डाल देना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने आधे से भी कम नमक लिया हुआ है, आधे चम्मच से भी कम नमक आपने इस भुनी हुई अलसी में डाल देना है। ये डाल दिया मैंने इतना, करिए देखिए, आधे से भी कम, आधे चम्मच से भी कम नमक मैंने इसमें डाला और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये जब आप भूनेंगे फ्रेंड्स तो इसको ठंडी होने दें, ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनको ठंडा होने दें। अब मिक्सी के जार में फ्रेंड्स आप इसको पीस लें, जो ये मटेरियल है इसको पीस लें। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पीस लिया और इतना कर मोटा, ये देखें आप, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए बहुत बारीक भी नहीं पीसा है मैंने, बहुत मोटा भी नहीं पीसा है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है देखो, आपने जब भी आपके बच्चे खाना खाएं, जैसे चावल खा रहे हैं सपोज, तो दाल के साथ साथ में डालें इसको, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है ये। आप अगर आपने फ्रूट सैलेड के लिए नमक बनाया हुआ है, मतलब फ्रूट्स के लिए अगर आपने नमक बनाया हुआ है आप उसमें डाल सकते हैं, ये बच्चों की सब्जी में डाल सकते हैं, इसका इतना कुरकुरा टेस्ट होगा फ्रेंड्स और इतना क्रिस्पी सा होगा और आई होप आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स हर चीज़ के अपने नुकसान भी होते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। तो जैसे किसी का ब्लड प्रेशर अगर लो रहता हो तो वो पेशेंट इसको, अलसी को ना खाएं। वैसे तो इसमें सॉल्ट है लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो अलसी के सीड का कम इस्तेमाल करना चाहिए उनको, और जो डायबिटिक्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, इसको बिल्कुल ना खाएं। और फ्रेंड्स कई लोग जो होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर
की दवाई खाते हैं और मतलब ब्लड पतला होने की दवाई खाते हैं। जिन लोगों का ब्लड पतला होता है वो फ्लैक्सीड ना लें, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो ब्लड को पतला करने की होती है। कोलेस्ट्रॉल जिनको होता है वो इसका इस्तेमाल अच्छे से करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द वाले इसका ज़रूर और ज़रूर उपयोग में लाएं इसको। जो लोग जो औरतें आफ्टर 30 से अब जो औरतें होती हैं वो डेली इसको अपने खाने में 20 से 25 ग्राम डेली अपने खाने में इसको ज़रूर ऐड करें। मतलब मैं आपको खाने की विधि बता रही हूँ कि मतलब जो मैंने ये नमक बनाया हुआ है इसमें बड़ा माइल्ड सा नमक है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे होप है आप इसको बहुत पसंद करेंगे जब आप इसको खाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी प्रिकॉशंस भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, उन प्रिकॉशंस को मतलब आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें पहले किसी भी चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि हर आदमी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो इसमें वैसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं हर एक चीज़ के। तो जिन जिन लोगों को मैंने कहा कि ये ना खाएं, उनका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन वो कम मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वीमेंस जो हो गई और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो ना ले, और हाँ जिनको जिनका ब्लड पतला है फ्रेंड्स वो इसको अवॉइड करें खाना। बाकी किसी को बवासीर है या किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो लोग इसको ज़रूर खाएं। जोड़ों के दर्द वाले भी इसको ज़रूर खाएं और मोटे लोग इसको ज़रूर खाएं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्लैक्सीड खाने से हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म सही आता है और हमें भूख कम लगती है और जिस वजह से हमारा वेट रिड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और बात, जैसे आपने ये नमक बना लिया इसको एयर टाइट डिब्बे में डाल लें, और जो फ्लैक्स सीड अगर आपने इकट्ठे भून लिए हैं तो आप भून कर रख लें। नमक आप जब भी बनाएं तो फ्रेंड्स इतना कर बनाएं, इसको 2 या 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है तो जो आपने भुने हुए फ्लैक्सीड रखे होंगे एयर टाइट डिब्बे में उनको फिर से पीस लीजिए, और नमक की मात्रा बहुत कम रखनी है और बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, अदरवाइज़ ये कड़वा टेस्ट देगा। तो थोड़ा कम भूनना है आपने इसको। बाकी फ्रेंड्स, इसको अपने खाने में आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो हेल्दी वेल्दी रह सकें। और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फ्रेंड्स।